जोधपुर में एडवोकेट जुगल राज सिंह चौहान की हत्या के बाद में राजस्थान भर के वकीलों में आक्रोश है। जिले भर में जगह जगह प्रत्येक जिले में आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी के तहत धरना प्रदर्शन का क्रम भी जारी है। इसी के तहत प्रतापगढ़ जिले में भी बार संघ की ओर से धरना प्रदर्शन एवं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ कोर्ट के मुख्य गेट के बाहर ही वकील धरना लगाकर बैठे हैं और पिछले 7 दिनों से लगातार धरने पर है। इनका कहना है कि जब तक अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू नहीं होता है तब तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इन्होंने एडवोकेट की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग है, उनको नौकरी एवं मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वहीं प्रतापगढ़ में भी आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर और हत्यारों की गिरफ्तारी और उनके परिवारजनों की सुरक्षा एवं मुआवजे की मांग की गई। वहीं प्रतापगढ़ में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष बलवंत सिंह बंजारा ने बताया कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे उच्च अधिकारियों की सहमति से इन्होंने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। वहीं बताया है कि जब तक अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे इन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं यहाँ पर आज सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कोर्ट परिसर के बाहर नारेबाजी की है। यहाँ पर यह धरना लगातार जारी है और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कांटेल की आवाज, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की हर खबर की अपडेट के लिए जुड़े रहिए कांटेल की आवाज न्यूज के साथ। ये दो 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 अलग अलग ज्ञापन है, दो अलग अलग ज्ञापन है। पूरे राजस्थान के सभी अधिवक्ताओं ने जहाँ तक मोटर सेक्ट लागू नहीं हो वहाँ तक निरंतर हड़ताल पर रहेंगे और राज्य स्वीकार लिखते भी है। सभी पंजीयन से कोई भी रजिस्टर नहीं कराएंगे, नहीं कराया सर, नहीं सर, कोर्ट तो जैसे बंद है हर प्रकार टोटली बंद है सर, पंजीयन बंद नहीं है, पंजीयन बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, ये नहीं है कि अपने पिस्टन पे करवा रहे हैं डायरेक्टली पार्टी वगैरह जाते हैं। हां पार्टी और दलाल हो रहा है वो काम, जैसे कोर्ट में काम स्थगित है वैसे पंजीयन भी स्थगित रहे जब तक पूरा ये मांग है हमारी। जीआईजी स्टाम से बात कर लेते हैं। जी जी ठीक है जी। निवेदन और श्रीमान के थोड़ा सा वकीलों में बहुत आक्रोश है, तो जो सीआईडी की जो रिपोर्टें जाती है उसके माध्यम से निवेदन कि यहाँ के वकील बहुत आक्रोशित है और हम तो ये कि जैसा जैसा आंदोलन की हम अहिंसक आंदोलन करेंगे। थोड़ा सा जी एक भी यानी वकील माय फरीक स्टाम्प वेंडर टाइपिस्ट ये सारे इस आंदोलन के समर्थन में 250 एडवोकेट हमारे करीब वहां के कोर्ट के बाहर ही धरना दिया जा रहा है। पूरा कोर्ट सारे लोग हमारे साथ हैं, कोई भी काम राजस्व न्यायालय का और पंजन वाला भी हमारे 2 तारीख तक न्यायालय और ये तो एक निवेदन हालत की उसमें लागू हो, प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, हत्या रोको, गिरफ्तार करो।